हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम अ फुल टाइम ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे पहाड़ों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, वैसे ही मेरी फैमिली को भी है। तो रिसेंटली आई गॉट एंगेज्ड ऑल्सो एंड आई थॉट कि इस साल जब मेरी शादी हो उससे पहले आई वॉन्ट टू टेक माई पेरेंट्स अलॉन्ग विथ मी फॉर अ ट्रिप, और वो भी लग्जरी ट्रिप पे मैं लेकर जाना चाहती थी। तो मैंने सर्च करना शुरू किया नियर दिल्ली कौन सा ऐसा लोकेशन है जो मैं चूज़ कर सकती हूँ जहाँ पर कोई लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी हो और हम वो लग्जरी इन्जॉय कर सकें। There's a king size bed, papa chilling around. Here's very nice couch, where's mom chilling around. Hello, namaste and a welcome or welcome back to my channel everybody. Mera naam hai Himani and I am a full-time traveler from India. I am here in Dharamshala. I am here with my family. Booked this luxurious stay in Dharamshala, which is Hyatt Regency, and So before getting into the property detail and the room tour and everything, I really want to share with you guys that how this process took me from Delhi to here. To थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं कि हाउ आई सॉ दिस प्रॉपर्टी, कैसे ये डिस्काउंटेड रेट पर मिली और मैंने कैसे इसे बुक किया, सारा प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सो दैट कि आपको इन फ्यूचर अपने फैमिली को अपने लव वंस को सरप्राइज देना है और बजट भी थोड़ा सा बनाकर रखना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो एग्जैक्टली मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया ना, मैंने गूगल पे सर्च किया कि देखते हैं चलो क्या रेट है इस प्रॉपर्टी का। और मैंने, मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा ही होगा एंड एज यूजुअल 30,000 के अबाउ सारी साइट्स पे इसके रेट है, लाइक booking.com, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, इन सब में रेट अराउंड दैट है। तो मैंने अपने पॉइंट्स यूज़ कर लेते हैं ये दिमाग लगाया, और जैसा कि पॉइंट्स और माइल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अपनी आईडी बनाते हैं डिफरेंट चेन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, ये सब मैंने ना डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैं कार्ट में डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो दैट कि यू गाइस कैन चेक आउट एंड फॉलो द प्रोसेस टू गेट अमेजिंग डिस्काउंट्स ऑन दिस लग्जूरियस प्रॉपर्टी। या सो दैट यू कैन फॉलो देयर। और अभी हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो यस, उसके ऊपर भी लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि हाउ वी रीच्ड फ्रॉम दिल्ली टू धर्मशाला, अब बजट में भी कैसे पहुंच सकते हो और फ्लाइट से भी क्या प्राइजेज हैं, सब कुछ डिटेल वीडियो वो भी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ हम पहुंच गए धर्मशाला। अब जैसे ही हमने होटल में चेक इन किया, ओ माय गॉड, हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया गया, लाइक हमारा चेक इन हो गया फटाफट से, उसके बाद हमें ग्रीन टी दी गई और देन वी चेक्ड इन टू आवर रूम। तो ये है हमारा प्यारा सा रूम जो कि मैं आपको चलो दिखाती हूँ। Hey everybody, so let me give you room tour of this property where we are staying for next 3 days and it's Hyatt Regency Dharamshala. I mean, the moment we entered to this property now, I'm feeling like amazing, like they have so many amenities and a beautiful property which I'll show you aram se, but let me give you room tour first. So this is the entrance of our room. We have 2 rooms, one for us, one for our parents. Because we are traveling with our family, we requested for connecting room. I will show you कि connecting room कैसे होते हैं, but before that ये entrance है हमारे room का। यहाँ से जैसे आप enter करोगे, there is a washroom. So come inside. This is the washroom. There is a toilet area. We have the big mirror which has temperature control over here with the timing and temperature control so that कि bathroom में भी temperature से बना रहे, right? मैंने पहली बार देखा है. By the way, I'm not kidding. Yeah, and this is a shower area, very nice, cozy. मैं imagine कर रही हूँ मैं यहाँ पे लंबा shower लूँगी. Don't count on me on that कि पानी waste करना गलत बात है. I know that, but कभी-कभी चलता है, right? Okay. And when you're in Himalaya, like obviously pani aise natural water aata, Himalayan water. Or talking about water, they have very nice thing which is right here. Literally like they served water in glass bottles and wo bhi a Himalayan water. Like oh my god, aisa andar tak aise shanti ho jati hai aisa pani pee ke, right? So there's a coffee area and there's a mini bar jahan pe kuch bhi nahi hai, but yeah, you can store your cold drink and all if you are, yeah. And sabse achhi baat, इनके सारे रूम्स नॉन स्मोकिंग रूम है, सो विच आई रियली लाइक अबाउट द प्रॉपर्टी, बिकॉज आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है अदरवाइज कि आपको नॉन स्मोकिंग रूम चाहिए और इफ थिंग्स लाइक दैट, एंड बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज नॉन स्मोकिंग प्रॉपर्टी, दे हैव ओनली वन एरिया इन दिस प्रॉपर्टी वेर यू कैन गो एंड स्मोक इफ यू आर अ स्मोकर, बट वी आर नॉट, सो या वी आर दैट कूल। एंड देयर इज अ लगेज स्पेस एरिया, यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हो। हमारा लगेज अभी दूसरे रूम में पड़ा हुआ है। एंड देन थोड़ा आ जाओ, इधर आ जाओ। There's a huge wardrobe,
वेयर देयर इज अ बाथरोब, देयर इज अ शेल्फ जहाँ पर आप अपना सामान, कीमती सामान अगर आप होटल से बाहर जा रहे हो, सो यू कैन कीप योर इम्पॉर्टेंट स्टफ हियर एंड आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड सेट करके इसको लॉक कर सकते हो. दिस आयरन, सो आयरन करने के लिए दिस आयरन पैड ऑल्सो, आप अपना आयरन कर सकते हो आराम से. देर आर फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर लाइक वेट मशीन भी है यहाँ पर, दिस अ वेट मशीन, देर इज अ रूम स्लीपर्स एंड एवरीथिंग. सो दिस इज वेरी नाइस, वेरी बिग वार्डरोब हियर एंड देन वी हैव ट्विन बेड हियर. ओके, सो मैं और तारिका ये रूम शेयर कर रहे हैं, सो वी रिक्वेस्ट इज फॉर ट्विन बेड, वेरी नाइस कंफर्टेबल बेड. इज अ डायरी पेन थिंग्स लाइक दैट, सो यू हैव टू, यू वॉन्ट टू राइट समथिंग, देर इज अलार्म थिंग वे यू कैन पुट योर अलार्म इफ यू वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड देन वी हैव टीवी यूनिट राइट हियर, वेरी बिग, वेरी नाइस, सो वी कैन वॉच मूवी और समथिंग. By the way, यहाँ पर मूवी देखने के लिए ना, there is one more option we have. There is a theater, like family theater, where you can book, like complimentary है. आप यहाँ पर stay कर रहे हो तो आपको complimentary मिलेगा. You can tell them कि आपको कौन सी movie देखनी है, उनके पास movie की list है. And then you can book that, और आप वहाँ पर बैठ के सिर्फ अपनी family के साथ कोई movie enjoy कर सकते हो. That we are going to do. Obviously हम करेंगे वो. But before that, this is nice. टेबल जिसका मैं यूज क्या करने वाली हूँ पता है, यहाँ पर बेड बैठ के मैं मेकअप कर लूंगी, सो दैट लाइट भी बहुत अच्छी है. और सो दिस प्रॉपर्टी हैज सो मेनी एक्टिविटीज, उसकी वजह से इन्होंने कैलेंडर बनाया है लाइक एवरी डे, लाइक मॉर्निंग में जो है योगा होता है, मेडिटेशन होता है, वॉट एवर द थिंग्स. दिस इज फॉर किड्स एंड दिस इज फॉर अडल्ट. सो अडल्ट के लिए यहाँ पर है योगा, मेडिटेशन सेशन, वॉक टू भक्सू, एंड देन आपको नॉर्मली नेचुरलिस्ट जो है इस प्रॉपर्टी में वो आपको लेकर जाते हैं वॉक के लिए, थिंग्स लाइक दैट. वो भी मैं बताऊंगी आपको आराम से. बट येस, दैट्स दैट. देन देयर इज अ वेरी नाइस सिटिंग एरिया वेर यू कैन सिट एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. लाइक आई एम इमेजिनिंग सिपिंग माई हॉट कॉफी बाई दिस व्यू इन द मॉर्निंग. वाओ, वेरी नाइस. ओके, देन लेट मी टेक यू टू, जस्ट पूरा नहीं दिखाऊंगी बट आपको जस्ट एक ऐसा ग्लिम्स दे देते हैं कि ये वाला रूम कैसा है. सो दिस, सो कनेक्टिंग रूम की मैं बात कर रही थी, तो ऐसे दो डोर होते हैं दो रूम के बीच में. सो दिस वन डोर, दिस वन डोर. इफ कोई दो अलग अलग गेस्ट रुक रहे हैं तब तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू ओपन दिस, बट हम एज अ फैमिली साथ में रुक रहे हैं तो वी रिक्वेस्टेड फॉर दिस कनेक्टिंग रूम. और ये कनेक्टिंग रूम से हम ऐसा लगेगा कि हम साथ में रह रहे हैं. एंड यहाँ पर किंग साइज बेड है जो कि आप देख सकते हो, देयर इज अ किंग साइज बेड. पापा चिलिंग अराउंड, हियर इज वेरी नाइस काउच, हियर इज मॉम चिलिंग अराउंड, एंड या दिस इज इट. सो ये रूम में बाकी सब कुछ सेम है एक्सेप्ट बेड के अलावा, सब कुछ सेम है. एंड दिस इज इट गाइज. मैडम व्हाट आर यू डूइंग? ओके, सो दिस इज इट गाइज, दिस इज आवर रूम इन हयात रेजेंसी धर्मशाला. आपको बाकी की अमेनिटीज, बाकी के जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज है वो मैं दिखाऊंगी आराम से धीरे धीरे, बट अभी तो हमने चेक इन किया है. रूम मैस ना हो जाए उससे पहले मैंने सोचा है रूम टूर रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो या, विल सी यू इन.